हाय, दिस इज मिस्टर एस प्रसाद, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज मैं इतिहास के उस चर्चित व्यक्तित्व की चर्चा करूंगा जिसने दुनिया को रोशनी प्रदान की, अंधेरे से रोशनी में लाया। उस व्यक्ति का नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1874 में यूएसए में हुआ था। 1931 में इनकी मृत्यु 84 साल की उम्र में हो गई। अल्वा एडिसन एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे साइंटिस्ट थे जो विलक्षण बुद्धि के उनको माना जाता है, और उनके विलक्षण बुद्धि के कारण ही उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा आविष्कार किए। आज जो हम रोशनी के दुनिया में जो रोशनी आज हम देख रहे हैं, वो थॉमस अल्वा एडिसन के कारण है। मैं थोड़ी उसके बचपन पर चर्चा करूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। थॉमस अल्वा एडिसन एक सामान्य परिवार में जन्मे थे, और उनके बचपन के विषय में बहुत सारी कहानियां हैं। लोग उसे पागल, मंद बुद्धि और बहुत बहुत प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन सचमुच वो विलक्षण बुद्धि के व्यक्ति थे। विलक्षणता इस हद पर थी कि बचपन से ही उनको प्रश्न करने की जो जिज्ञासा थी वो बिल्कुल हद प्रकार की थी। शुरू में जब उनको स्कूल भेजा गया, बचपन में जब वे स्कूल गए तो शिक्षकों से ऐसी बातें करते थे, शिक्षक तंग आ गए। मसलन, अगर चिड़िया आकाश में उड़ सकती है तो इंसान क्यों नहीं, ऐसे ऐसी बातें किया करते थे। और दूसरी तरह शिक्षक जो पढ़ाया करते थे, ये अपने में ही व्यस्त रहते कि सोचते रहते थे, कुछ विशेष प्रकार की सोच प्रक्रिया उनकी चलती रहती, थॉट प्रोसेस चलती रहती थी। अंत में हुआ वही कि टीचरों ने इनको स्कूल से निकाल दिया, एक लेटर बनाकर इनको दे दिया, और घर आए, अपनी मम्मी को उन्होंने दिया, नैन्सी थॉमस को। मम्मी ने लेटर देखा, लेटर देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेटर में लिखा था, योर सन इज एडल्ट मेंटली इल, स्कूल कैनॉट टीच हिम, यू टीच हिम योर सेल्फ। बट जब बच्चे ने माँ से पूछा कि मम्मी लेटर में लिखा क्या है, तो उसकी माँ ने कहा, लिखा है, योर सन इज जीनियस, माई स्कूल इज सो स्मॉल एंड वी हैव नॉट सो टैलेंटेड टीचर टू टीच हिम, टू टीच योर सेल्फ एट होम। माँ ने बात बदल दी, बच्चे के अंदर निगेटिविटी नहीं आए, पॉजिटिव बात उसके अंदर आए। माँ ने बात बदल दी, रोते हुए आंखों को छुपा लिया, आंखों को छुपा लिया और बच्चे से बात बदल कर बताई और घर पर पढ़ाया। स्थिति ये बन गई कि स्कूल की शिक्षा उनको मौसर नहीं हो सकी। विलक्षण तो थे ही, एक बार की बात है जब चिड़ियों को उड़ते देखते थे, और फिर चिड़ियों को देखते कि जमीन पर आकर के कीड़े मकोड़ों को खाती है, तो उनके दिमाग में ये बात चल पड़ी कि शायद चिड़िया इसलिए उड़ती है कि कीड़े मकोड़े खाती है। ये खेतों में गए और एक बोतल या कोई चीज़ में कुछ कीड़े मकोड़ों को इकट्ठा कर लाए, उनको मार कर उसका घोल बना दिया।
और अपने दोस्त को पिला दिया कि दोस्त उड़ेगा। दोस्त उड़ा तो नहीं, वो बुरी तरह बीमार हो गया। अंत में इनको माँ ने बहुत डांटा और बहुत मार पड़ी इनको। थॉमस अल्वा एडिसन को बहुत मार पड़ा। तो ऐसे बुद्धि के ये थे। एक और कहानी इनके बारे में प्रचलित है, जब वो खेतों में जाते थे एक छोटा सा तालाब में, या थोड़े जंगल के मुर्गियां हुआ करती थी, उनके अंडों को देखा और मुर्गियां उस पर बैठती थी, उससे चूजे निकलते थे। इनके दिमाग में भी आया कि मैं बैठ के देखूं, शायद कोई चूजा निकले। तो ऐसी ऐसी बातें उनके अंतर्गत, ये विलक्षणता है, आप उसको जो कह लें, ये विलक्षणता है, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। और मात्र 15 या 12 साल की उम्र में ही वे घर में एक प्रयोगशाला का बना लिया और विभिन्न प्रकार के रिसर्च शुरू कर दिया, जो जो उनके दिमाग में आता था कुछ करने के लिए। एक बार माँ गुस्सा करके इनकी प्रयोगशाला के सारे सामान फेंक दी बाहर। बाद में पैसे इनके पास नहीं होते थे तो एक टेलीग्राफिक मशीन के भी इसने स्थापना बचपन में ही कर ली, और जिसे कुछ अखबार प्रिंट किया करते थे, वो स्टेशन पर जाके बेचा करते थे। अब कुछ पैसा मिले तो रेलवे के खाली डिब्बे में इन्होंने अपना रिसर्च लैब एस्टेब्लिश कर लिया। बाद में कुछ केमिकल्स के गिरने से आग भी लग गई, आग तो बुझा ली गई, लेकिन रेलवे एम्प्लॉय ने इनके बहुत कस के तमाचा जड़ा, जिसके इनके कान सुने हो गए, ऊंचा सुनाई पड़ने लगा। हालांकि ये बात इन्होंने कहीं ओपन नहीं किया। तो इस तरह के बुद्धि के थे। और इनके विषय में ये बताया गया है कि इन्होंने बहुत सारे आविष्कारों को जन्म दिया। बिजली का बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है, और बताया जाता है कि 1000 से ज़्यादा बार इनको असफलता लगी इसके लिए, और अंत में वे सफल हुए। करीब 32 की उम्र में जब ये थे, बिजली बल्ब का आविष्कार कर लिया और सारी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। इनका कहना था, नेवर गिव अप, ट्राई वंस अगेन। अगर वे छोड़ देते 1000 बार प्रयास, अपने आप में बिल्कुल विलक्षण है। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 100 बार 200 बार कोई प्रयास कर सकता है, प्रयास में सफल हो सकता है, लेकिन उस जिगरे को, उस जज्बे को दाद देनी पड़ेगी जिसने 1000 बार प्रयास किया और अंत में सफल हो गए बिजली बल्ब का आविष्कार किया। बाद में इन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, मोशन पिक्चर का आविष्कार किया और बहुत सारे चीज़ों का आविष्कार किया। बिजली का आविष्कार और बिजली के बल्ब का आविष्कार दुनिया के विकास का आधार है। आप सोचें, अगर वो नहीं होता दुनिया कहाँ होती। इस महान वैज्ञानिक की, जिन लोगों ने बचपन में इन्हें पागल और मंदबुद्धि कहा, उस वैज्ञानिक ने क्या कर डाला। 1000 बार असफल होने पर कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा, नो, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 वैसे तरीकों को ढूंढा है जिससे बिजली बन नहीं सकती। ये रिप्लाई था, जिस रिप्लाई ने विश्व के वैज्ञानिक जगत को चकित कर दिया और बहुत कुछ दिया। कहते हैं ना कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। इनके सफलता में इनकी माँ, वो ग्रेट मदर का योगदान था। आप सोचिए उस दिन की बात, जिस दिन माँ ने अपने बेटे को जवाब बदल कर जो दिया, अगर वो बातें सही बात उसको बता देती तो निगेटिविटी जो आती, शायद थॉमस अल्वा एडिसन नहीं बन पाते।
तो यह व्यक्तित्व था थॉमस अल्वा एडिसन को, इंसान को जिंदगी में सफल होने वाले को और असफल होने वाले को अल्वा एडिसन की कहानी पढ़नी चाहिए, उसको सुनना चाहिए। इससे बड़ा दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है असफल व्यक्तियों को सफल होने के लिए। थैंक यू दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो असफल लोगों के ज़िंदगी में बहुत बड़ा सफलता का तूफान ला सकता है और सफल होने के बहुत बड़ा मंत्र दे सकता है। मुझे उम्मीद है हर सफलता पाने वालों की ज़िंदगी में यह कहानी बहुत बड़ा योगदान देगी। और मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे कमेंट्स और लाइक एंड शेयर के लिए निवेदन करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।